आपको आपके अपने बेटे राजीव गांधी के हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम वंदन। साथियों, आजादी के 75 सालों तक भी हमारा देश आर्थिक और मानसिक रूप से आज भी गुलाम है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। दिल्ली और पंजाब के अंदर पहली बार अरविंद केजरीवाल जी की एक ऐसी सरकार आई है जो काम के नाम पे वोट मांगती है, धर्म क्षेत्र जाति पाति की राजनीति से ऊपर उठ करके आपके बच्चों के लिए अच्छे अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, आपके 24 घंटे बिजली पानी दिया जाता है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये बिजली और पानी शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त की रेवड़ियां है, लेकिन मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी संविधान के अंदर हमारा अधिकार है। साथियों, हरियाणा के अंदर जो स्कूल और हॉस्पिटल है उनकी सभी की स्थिति आप सब लोगों के सामने है। जो स्कूल है, स्कूल में अध्यापक नहीं है, बिल्डिंगे खड़ी कर दी लेकिन पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्डिंग इसलिए बनाई जाती है क्योंकि बिल्डिंगों में कमीशन खोरी का काम चलता है। जो गांव में पीएचसी सेंटर है, हॉस्पिटल है, इनमें दवाइयां नहीं दी जाती, आप लोगों को एक बहाना बना दिया जाता है, दवाई हमारे पास नहीं है, दवाई बार से ले लेना। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, सरकार के बजट के अंदर से ये लोग जो दवाइयां आती हैं उनके पैसे को अपनी जेब में डाल लेते हैं, आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। साथियों, आपको जब तक ये समझ में नहीं आएगा कौन अपना है कौन पराया है, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आप जैसे गलियों से निकले हुए बच्चे, आपके अपने भाई, गरीब और किसान मजदूर के बेटे लोकसभा विधानसभा और राज्यसभा में भेजे जाते हैं। दिल्ली और पंजाब के अंदर पांच पांच मुख्यमंत्री, जो पांच पांच बार के मुख्यमंत्री थे, जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक दुकानें खोल रखी थी, आप लोगों के सहयोग से अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की सरकार बना करके दादा लाई राजनीति करने वालों के मुंह पे जो करारा तमाचा मारा, ऐसा ही आप लोगों ने की बार हरियाणा में भी कौन अपना है कौन पराया है कौन आपका काम करता है। अगर आपको अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य लाभ, बिजली और पानी चाहिए तो आप लोगों को एक एक वोट आम आदमी पार्टी को डाल करके आपके अपने बेटे, आपके अपने बच्चों को विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में पहुंच करके इन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारना पड़ेगा। आपके नारणों के अंदर जितने भी लोग अपने आप को विधायक का दावेदार मानते हैं, आप लोगों के सामने झूठ बोल करके इलेक्शन के टाइम पे वोट लेने के लिए आते हैं। इन सब के दो दो तीन तीन हॉस्पिटल है, पांच पांच चार चार कॉलेज है, दो दो चार चार स्कूल है, आप आपके बीच में आए तो उनसे ये पूछ रहा, आपने एक भी गरीब के बच्चे को फ्री में शिक्षा दी हो, कोई कॉपी किताब दी हो, एक भी गरीब बच्चे का फ्री में इलाज किया हो, आईवीएल की गोली भी आप लोगों को दी हो, तो आप सबने ये सवाल करने हैं। और दिल्ली और पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली दी जाती है, 300 यूनिट बिजली फ्री है। अगर हम हरियाणा के अंदर उसका हिसाब लगाए तो 2100 से 2200 रुपए हर महीने का बिजली बिल आता है। साथियों, हमारे हरियाणा के अंदर 8-8-10 घंटे लंबे बिजली के कट लगते हैं, लेकिन दिल्ली और पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली रहती है। किसी कारणवश से एक या दो घंटे का कट लगता है बिजली की लाइन ठीक करने के लिए, तो आप लोगों को पहले सूचित किया जाता है कि इतनी तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक लाइट नहीं आएगी। साथियों, हरियाणा के अंदर बिजली के कनेक्शन लिए हुए सरकार ने 10-10-15-15 साल किसानों ने अप्लाई किए हुए गए, लेकिन नीट भविष्य के अंदर सरकार की कोई भी योजना आप लोगों को कनेक्शन देने की नहीं है। इनकी नीति में खोट है, गर्मी और कड़ी में अंतर है। आजादी के पहली बार 75 सालों के इतिहास के अंदर आम आदमी पार्टी एक ऐसी सरकार आई है जो काम के नाम पर वोट मांगती है। साथियों, अब की बार आप लोगों ने ये मौका नहीं चूकने देना, जो ये लोकतंत्र और षड्यंत्र का इंतरनाशाई सरकार है, इसको वो एक एक वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में डाल करके इस सरकार को हरियाणा और भारत से खदेड़ना है, और अरविंद केजरीवाल जी को भारत का प्रधानमंत्री बना करके आपके बच्चों को अच्छी स्कूली सुविधाएं,
अच्छा स्वास्थ्य लाभ, बिजली और पानी मिलेगी। आपके अपने बेटे, आपके अपने भाई, आपके अपने गलियों के बच्चे अपने हाथ में सत्ता लेंगे, उनको सभी ये पता होगा कि आप लोगों की क्या दुख तकलीफ है। ये जो सोने की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होते हैं, वोट लेकर के आपको नजदीक भी नहीं जाने देते। आपके पास में जाते हो तो गोलियां मार मार करके जो लोग आपको दूर करते हैं, इनसे बचना है। असली और नकली की पहचान करके आपकी अपनी सरकार बनानी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की वंदे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। धन्यवाद। जय हिंद।